हेलो फ्रेंड्स, दादा दादी की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं हरी मिर्च का अचार बनाऊंगी। ये बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी बनता है और तुरंत ही खाने के लिए तैयार हो जाता है। आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अचार के इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने 100 ग्राम हरी मिर्च ली है, जिसको कि मैंने साफ करके 2 टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहे जैसे काट लें, आपकी जैसी मर्जी। और ये मैंने अचार का मसाला लिया, ये मैं बनाकर तैयार रखती हूँ अचार के लिए। इसमें 2 चम्मच सौंफ कुटी हुई, 1 चम्मच मेथी कुटी हुई, 1 चम्मच जीरा कुटा हुआ और 2 चम्मच राई कुटी हुई ली है मैंने। ये सब टीस्पून है। ये 1/2 टीस्पून मैंने कलौंजी ली है और थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून देगी मिर्च ली है कलर के लिए और सरसों का तेल और ये सिरका। चलिए हम अचार बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, ये करीब 1 कप ऑयल है। इसमें ऑयल ज़्यादा डलता है। इसको मैंने गरम करके थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ी सी हींग डालूंगी, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं। अब ये कलौंजी और हल्दी हम इसमें डालेंगे। गैस बंद है और ये देगी मिर्च और ये जो मैंने मसाला तैयार किया था, इसकी क्वांटिटी मैं आपको बताई है। इसको हम थोड़ा सा हिला लेते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा और ठंडा करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तेल। ये देखिए तेल ठंडा हो चुका है, ये गुनगुना है। हमको ठंडा करके ही इसमें हरी मिर्च डालनी है, नहीं तो हरी मिर्च का कलर चेंज हो जाएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून सिरका मिलाएंगे, जिससे कि अचार हमारा खराब नहीं होगा। चाहे आप इसको साल भर रखें तो भी ये खराब नहीं होगा। ये देखिए 1 चम्मच। अगर आपके पास सिरका नहीं है या सिरका नहीं खाते हैं तो आप इसमें नींबू का रस मिला सकते हैं। ये हमारा अचार बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। अब हम इसको जार में डाल लेते हैं। कर तैयार है। इस बात का ध्यान रखें, जब भी अचार जिस भी जार में डालें वो एकदम सूखा होना चाहिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें। मैंने इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है।